कि शियों ने इमाम हुसैन को मारा। बाबा शियों ने इमाम हुसैन को मारा, सुन्नी उस वक्त क्या कर रहे थे? उनके नबी के नवासे को शिया मार रहे थे, सुन्नी अक्सरियत में थे, असहाब उनकी औलाद मौजूद थी, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? अगर मारने वाले बिलफर्ज शिया थे तो उनपे लानत और ना बचाने वालों पे भी लानत। अब तसव्वुर करें कहा जाता है जी शियों ने इमाम हुसैन को बुलाया, उनमें भी असहाब थे कि जिनमें सफ़े अव्वल के कौन थे जनाब हजरत सुलेमान बिन सुरद हवाई, ये साहबी थे। अब यहाँ पे अहले सुन्नत से कहा जाए कि इमाम हुसैन को बुला के धोखा देने वालों पे लानत है तो भेजो जाओ। अच्छा, बुलाने वालों पे अगर तुम इतनी लानत मलामत करते हो तो बैत करने वालों पे क्यों नहीं करते, और उस यजीद को मुसल्लत करने वाले पर क्यों नहीं बैत करते? उसके बाप पर सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद तबारक बता रहा कि तमाम मलाइका की, तमाम अंबिया की, तमाम औसिया की, तमाम मोमिनीन जिन्न व इंस की लानत हो दुश्मनाने अहले बैत। तो ये मौजूदात हमने इस वजह से बयान किए कि मुहर्रम से पहले अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो एक माइंड मेकअप करना चाहिए कि इस किस्म के मौजूदात जहां से आए फौरन इसका जवाब दिया जाए और एक लहजा इसमें सोचाना चाहिए। क्यों? कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको इन्हीं नारों के जरिए से गुमराह किया जाता है। स्कूल कॉलेज के बच्चों को यही कह दिया जाता है शिया पीट रहे हैं, इन्होंने तो मारा था। तो 15-16 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा उसके लिए जुमला काफी होता है। तो हर आदमी दिफा अहले बैत में लगे, हर आदमी खुसूसन अजादारी के दिफा में लगे, क्योंकि अजादारी से इनको बहुत शदीद प्रॉब्लम है।